आगे बढ़ते हुए जिक्र बैरिस्टर अली सफर का, जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आईनी मसला हल हो गया। इस फैसले से आईन की बालादस्ती साबित हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि सब पर पाबंदी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद करें। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आईनी मसला हल हुआ है और आईन की बालादस्ती दोबारा से आज साबित हो गई है। अदालत ने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जिसमें 30 अप्रैल से इलेक्शन की डेट को शिफ्ट करके अक्टूबर में ले जाया गया था, वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और उसको कलदम करार दे दिया है। फेडरल हुकूमत के ऑफिशल्स हैं, हुकूमत के जो अहदेदार हैं उनके समेत सब पे पाबंदी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस इलेक्शन में भरपूर मदद करें। और उस सिलसिले में अदालत ने ये कहा है कि जो पैसे चाहिए 20 बिलियन या 21 बिलियन रुपीज़, वो फेडरल हुकूमत फराहम करेगी।